हेलो स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर फाइंड आया जी सिंह फ्रॉम कर्नल्स ब्राइटलैंड पब्लिक स्कूल विल टीच यू कंप्यूटर ऑफ ग्रेड टू सो दिस इज़ अ पार्ट वन वीडियो फॉर द रिविजन ऑफ चैप्टर पार्ट टू चैप्टर टू पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जैसा कि आप जानते हैं ह्यूमन बॉडी भी डिफरेंट पार्ट से बनी है ठीक है और हर पार्ट का एक अपना एक काम होता है जैसे हाथ का, का काम अलग होता है पैर का, का काम चलने का होता है आँख का काम देखने का होता है उसी तरह से कंप्यूटर के भी कुछ डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और उनका भी अपना अपना एक स्पेशल वर्क होता है अपना स्पेशल काम होता है और इन सब मेन पार्ट से मिलके के ही कंप्यूटर बनता है सो so, जैसा आप जानते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है दैट हैज़ अ फोर मेन पार्ट और इसके चार मेन पार्ट हैं पहला होता है आपका मोनिटर चलिए मॉनिटर के बारे में डिस्कस करते हैं मॉनिटर मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन वो टीवी स्क्रीन की तरह दिखता है जैसा आपका टीवी होता है सेम वैसा ही दिखता है अब इसमें क्या होता है इट शोज द टेक्स्ट टाइप्ड इन इन एंड द वर्क डन बाय इट आल्सो डिस्प्लेस द रिजल्ट जो भी हम काम करते हैं वो इसमें शो होता है ठीक है और, और ये सब रिजल्ट को आपको दिखाता है दूसरा होता है कीबोर्ड कीबोर्ड की बोर्ड हैज़ मैनी बटन इस इसमें बहुत सारी बटन्स होती हैं विच आर कॉल्ड कीज जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं कीज़ के नाम से कीबोर्ड इज़ यूज फॉर टाइपिंग लेटर्स और इस कीबोर्ड का क्या यूज़ होता है लेटर्स को टाइप करना वर्ड्स को टाइप करना वर्ड्स नंबर्स स्पेशल सिम्बल्स ये एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में वन हंड्रेड एंड फोर कीज होती हैं अगला होता है आपका पार्ट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सी पी यू सी पी यू स्टैंड फॉर होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सी पी यू को कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं जैसे हमारा दिमाग होता है हमारा ब्रेन होता है ऐसे ही कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो सी पी यू होता है इट हेल्प्स अ कंप्यूटर टू थिंक ये कंप्यूटर की मदद करता है सोचने में और किसी काम को करने में ठीक है इट ऑल्सो इट ऑल्सो हेल्प्स अ कंप्यूटर रिमेंबरिंग थिंग्स ये कंप्यूटर को चीज़ों को याद करने में मदद करता है और ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर अटैच टू द सी पी यू बाई सारे पार्ट्स किससे अटैच होते हैं सी पी यू से अटैच होते हैं वायर के थ्रू माउस है मोनिटर है सारी कीबोर्ड है ये सब सी पी यू से अटैच होते हैं तभी कंप्यूटर इसकी मेन यूनिट होती है इस तभी इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है अगला होता है माउस माउस कंप्यूटर में बिल्कुल माउस कंप्यूटर हैज़ टू हैज़ अ टू बटन इसमें दो बटन्स होते हैं इसके ऊपर इसका यूज़ पॉइंट और मूव सेलेक्ट एनी आइटम किसी भी आइटम को मूव करने के लिए पॉइंट करने के लिए एनी आइटम उन कंप्यूटर स्क्रीन और मॉनिटर मॉनिटर स्क्रीन पर मूव और पॉइंट करने के लिए यूज़ होता है या सेलेक्ट करने के लिए माउस हेल्प अस टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड प्ले गेम्स माउस का यूज़ पिक्चर ड्रॉ करने में होता है आप जब आप ड्राइंग करेंगे तो माउस की यूज से हेल्प uh, से करेंगे और गेम खेलेंगे वो भी माउस की हेल्प से करेंगे दो टाइप के माउस होते हैं स्टूडेंट्स एक होता है टू बटन माउस और दूसरा होता है स्क्रॉल माउस अब देखिए दोनों में डिफरेंस डिफरेंट डिफरेंस क्या होता है अ स्मॉल माउस हैज़ अ स्क्रॉल व्हील स्क्रॉल माउस में क्या होता है कि स्क्रॉल व्हील होता है बीच में एक व्हील मिडल में लेफ्ट और राइट right बटन के बीच में जो आपको सेकेंड नंबर का दिख रहा होगा वी कैन मूव अ पेज अप एंड डाउन और बाय मूविंग द स्क्रॉल व्हील स्क्रॉल व्हील की मदद से हम क्या करते हैं पेज को मूव करते हैं अप और डाउन करने के लिए स्क्रॉल स्क्रॉल माउस भी दो टाइप के होते हैं एक तो होता है बॉल माउस और दूसरा होता है ऑप्टिकल माउस बॉल माउस जिसके नीचे बॉल लगी रहती है जो माउस को पॉइंटर को मूव होने में मदद करती है और दूसरा ऑप्टिकल माउस में क्या है रेड कलर की एक लाइट uh, होती है एंड ऑप्टिकल माउस यूजेस लाइट इंस्टेड ऑफ बॉल फॉर मूवमेंट द माउस पॉइंटर रेड कलर की जिसे लेजर लाइट भी बोलते हैं ओके स्टूडेंट्स इन मेन पार्ट्स के अलावा कुछ uh, और भी पार्ट्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम द मेन पार्ट्स देर आर सम अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कुछ अलग और पार्ट्स होते हैं जैसे कि प्रिंटर है प्रिंटर का यूज टेक्स्ट और पिक्चर्स को पेपर पर प्रिंट करने के लिए होता है ठीक है ये बोथ जैसे ब्लैक एंड वाइट और कलर दोनों टाइप की प्रिंट कर सकता है द प्रिंटेड कॉपी ऑन अ पेपर इज़ कॉल्ड द हार्ड कॉपी जब पेपर पर प्रिंट कॉपी हो जाता है तो हम उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं जनरली प्रिंटर्स थ्री टाइप के होते हैं पहला होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जिससे आपकी फ़ीस की रिसिप्ट निकल के आती है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है इंक दूसरे होते हैं इंक प्रिंटर ये आ, और तीसरा होता है लेज़र प्रिंटर तो ये तीन टाइप के प्रिंटर होते हैं अगली डिवाइस होती है आपकी माइक्रोफोन स्टूडेंट्स माइक्रोफोन क्या होता है माइक्रोफोन का मतलब माइक शॉर्ट में इसे माइक भी बोलते हैं अब माइक्रोफोन यूज़ फॉर रिकॉर्ड और वॉइस हमारी वॉइस को साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ होता है इसका इट ऑल्सो टू टॉक फ्रेंड्स थ्रू द इंटरनेट और इस इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं अपने फ्रेंड से बात भी करते हैं अनाउंसमेंट करते हैं माउस हाँ माइक्रोफोन से अगले होते हैं स्पीकर स्पीकर आप जानते हैं स्पीकर का यूज़ किस लिए होता है स्पीकर का यूज़ होता है स्टूडेंट्स गाना सुनने के लिए म्यूजिक सुनने के लिए या फिर साउंड इफ़ेक्ट सुनने के लिए स्पीकर अलाउ अस टू लिसन म्यूजिक एंड हियर साउंड इफेक्ट्स स्टोर इन अ कंप्यूटर जो भी रिकॉर्डिंग होती है उसको सुनने के लिए जो गाना है कोई भी चीज़ है जिसे सुना जा सके तो वो हम स्पीकर की हेल्प से करते हैं हेडफोन आप जानते हैं हेडफोन या ईयरफोन हेडफोन्स आर यूज टू लिसन म्यूज़िक इनका भी यूज़ म्यूजिक के लिए होता है लेकिन एज वेल एज रिकॉर्डेड साउंड हम रिकॉर्डेड साउंड को भी सुनते हैं इसकी हेल्प से विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स बिना दूसरों को डिस्टर्ब किए हुए स्पीकर से बहुत लोग एक साथ सुन सकते हैं लेकिन हेडफोन से एक ही बंदा सुन सकता हेडफोन्स आर ऑल ऑल्सो नोन एज द ईयरबड्स और ईयरफोन और इन्हें ईयरबड्स और ईयरफोन के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट्स अगला होता है आपका सी या कॉम्पैक्ट डिस्क सी क्या होती है राउंड शेप में होती है इट इज़ यूज टू स्टोर अ लॉट ऑफ इन्फॉमेसन इसका यूज़ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को सेव करने के लिए होता है इट इज़ अ शाइनी डिस्क रनस ऑन सी डी ड्राइव ये सी डी ड्राइव में चलती है एक शाइन की करती हुई राउंडेड डिस्क होती है ठीक है सी डी ड्राइव जो होती है वो सी पी यू के अंदर ऑलरेडी फिक्स्ड होती है फिर होती है आपकी हार्ड डिस्क देखिए जो भी डेटा आपके कंप्यूटर में होता है वो सब डेटा स्टोर होता है इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर ही रहती है हार्ड डिस्क इज़ लाइक अ बॉक्स विच इज फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू सीपीयू के अंदर ही मिलती है और जो भी कंप्यूटर का डेटा होता है वो इसमें सेव होता है ऑलराइट राइट right, समझ गए आप लोग अगली होती है पेन ड्राइव पेन ड्राइव आपने देखी होगी इट इज़ अ स्मॉल रेक्टेंगुलर डिवाइस एक छोटी डिवाइस होती है दैट इज़ यूज फॉर ट्रांसफरिंग डेटा इसका यूज़ डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है और इसे फ्लैश ड्राइव भी या थम ड्राइव भी या जंप ड्राइव भी बोलते हैं ओके स्टूडेंट्स सो थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग दिस वीडियो और इसकी एक्सरसाइज भी आप कर लेंगे देखिए हम एक्सरसाइज कर लेते हैं जी जल्दी से सी डी स्टैंड फोर्थ क्या होता है सी डी स्टैंड फोर कॉम्पैक्ट डिस्क ठीक है सी से कॉम्पैक्ट डी से डिस्क द स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज अ हाउ मैनी कीज वन हंड्रेड एंड फोर कीज ऑल राइट माउस हैज़ अ हाउ मैनी बटन्स टू बटन्स दो बटन्स होते हैं माउस के ऊपर बीच में स्क्रॉल बार होता है वेरी गुड अगला अ अ डैश इज फॉर रिकॉर्ड आवर वॉइस कंप्यूटर सो माइक्रोफोन हेल्प अस टू रिकॉर्ड आवर वॉइस इन टू कंप्यूटर अगला होता है देखिए ट्रू फॉल्स में देखते हैं द बटन ऑन अ की बोर्ड आर कॉल्ड कीज ये ट्रू फॉल्स है? है या गलत है so ट्रू है या गलत है सॉरी फॉल्स है ये ट्रू है उन्हें कीस के नाम से ही जानते हैं अगला होता है इंकजाइट इज अ काइंड ऑफ प्रिंटर बिल्कुल सही है ट्रू है ये स्पीकर आर यूज फॉर रिकॉर्ड साउंड स्पीकर का यूज साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए नहीं होता है हेयर करने के लिए होता है तो ये फॉल्स है तीसरा वाला फॉल्स है पहले दोनों सही है अब प्रिंटर शोज द टेक्स्ट ऑन द मॉनिटर ये भी फॉल्स है प्रिंटर शो क्यों कराएगा मॉनिटर पे तो ये फॉल्स है हाँ इनको आप मैच कर सकते हैं मैं आपको लाइन से बताऊंगा फर्स्ट जो है वो माइक्रोफोन सॉरी पहला वाला जो है हेडफोन है दूसरा पेन ड्राइव तीसरा माउस फिर स्पीकर है फिर सीपीयू है फिर हार्ड डिस्क है फिर माइक्रोफोन है फिर मॉनिटर है टिक द राइट आंसर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर स्टोर डेटा इसका यूज डेटा को स्टोर करने के लिए नहीं करते हैं तो स्टूडेंट्स कीबोर्ड का यूज़ डेटा को स्टोर करने के लिए नहीं किया जाता है बाकी पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क का यूज़ स्टोर करने के लिए करते हैं द प्रिंटेड कॉपी ऑन अ पेपर इज़ कॉल्ड द प्रिंटेड कॉपी पेपर पेपर पर जब आ, उसको क्या बोलते हैं पेपर को हार्ड कॉपी बोलते हैं प्रिंटेड कॉपी जो प्रिंटर से प्रिंट होती है उसे हम हार्ड कॉपी बोलते हैं तो तीसरा वाला सी सही है अगला डैश हेल्प इन प्लेइंग गेम्स एंड ड्राइंग पिक्चर्स तो क्या हेल्प करता है गे, गेम खेलने में और पिक्चर ड्रॉ करने में माउस हेल्प करता है तो बी वाला सही है फोर्थ सीपी यू स्टैंड फोर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सेंट्रल प्रोसेस यूनिट या सेंटर प्रोसेस यूनिट तो फर्स्ट ए सही है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अगला बी वाला देखिए नेम द मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर मेन पार्ट्स कौन से होते हैं मॉनिटर कीबोर्ड माउस और सी पी यू इट विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर यूज टू पॉइंट एंड सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट सो माउस सेकेंड का आंसर है माउस नेम द कंप्यूटर पार्ट विच इज नोन एज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर तो किसको ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर बोलते हैं इट्स अ सी पी यू फोर्थ देखिए विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर लुक्स लाइक अ टी वी कौन सा टीवी की तरह दिखता है कौन सा पार्ट मॉनिटर ऑल राइट नेम द डिवाइस विच इज यूज फॉर ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कौन सी डिवाइस है जिसका यूज एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है इट्स अ पेन ड्राइव ऑल राइट स्टूडेंट्स तो आज के लिए इतना ही थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग दिस वीडियो